नमस्कार सभी को, U3H के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा अध्याय 3। अध्याय 3 में प्रश्न 3.2 का पहला सवाल, आइए पहले सवाल करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लड़कियों और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बराबर x। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर y। प्रश्न में क्या कहा गया है? लड़कियों और लड़कों की संख्या 10 है, 10 विद्यार्थी है टोटल, तो x जमा y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त में क्या कहा गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये x हमें लड़कियों की संख्या माना हुआ है, y लड़कों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो दोनों की संख्या इक्वल हो जाएगी। इसे समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसे ग्राफ में कैसे निरूपण करते हैं वो देखिए। समीकरण में x और y की 3 मान लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें देखिए समीकरण की 3 मान लिए हुए हैं। समीकरण नंबर 1 से x जमा वाई बराबर 10, x जमा वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है ये, x बराबर 10 घटा वाई। अब देखिए y का मान हम लेंगे, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये 10 माइनस वाई का मान 6 लीजिए, x का मान 4 आ गया। इसी प्रकार से ये मान छोटी समीकरण है, हम ओरल भी ले सकते हैं, x का मान आ जाएगा। जैसे y बराबर 5 लेंगे तो 5 माइनस कर देंगे 10 में से, 5 आ जाएगा। y बराबर 4 लेने पर तो x का मान 6 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 से टेबल हमें बना लिए। अब सेकंड देखिए, समीकरण नंबर 2 से x बराबर y जमा 4, ये समीकरण नंबर 2 है, इसे देखिए। अब x बराबर y जमा 4, अब y का मान 2 लेने पर, y का मान हम 2 लेंगे। अब देखिए y की जगह 2 रखिए, 2 जमा 4 बराबर 6, 6 प्राप्त हो गया। y का मान माइनस 2 लेते हैं, माइनस 2, ये x का मान 2 प्राप्त हुआ। y का मान माइनस 3 लेने पर माइनस 3, x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। ये काम करने के बाद अपनी ग्राफ की नोटबुक में बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट लीजिए जिसे 0 नाम देंगे हम, जो x एक्सिस का भी रहेगा और y एक्सिस का भी रहेगा। उसके बाद x एक्सिस रेखा खींचिए, y एक्सिस रेखा खींचिए और समान दूरी पर पॉइंट लगाइए। जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं समान दूरी पर है। नंबरिंग डालिए, यहाँ पर प्लस के x रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर y रहेंगे प्लस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट इधर माइनस के x रहेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। प्लस के माइनस के y रहेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब समीकरण नंबर 1 से जो टेबल बना हुआ है इसमें हम देखेंगे x का मान कितना है और y का मान कितना है। यहाँ x का मान 4 है और y का मान 6 है। ग्राफ में देखेंगे दोनों प्लस का है, तो x का मान 6 देखेंगे यहाँ और y का मान भी, x का मान 4 देखेंगे और y का मान 6 देखेंगे। 4 के सामने देखिए और y का मान 6 के सामने देखिए। यहाँ पर ये पॉइंट जो हमें मिला हुआ है ये यहाँ नाम लिख सकते हैं 4, 6, क्योंकि जो आगे जो नंबर होते हैं वो x की वैल्यू होती है, पीछे वाला y की वैल्यू होती है। नेक्स्ट x का मान 5 है, y का मान भी 5 है, इसमें हम देखेंगे दोनों प्लस के ही 5 के सामने ऐसे डॉट लगाते हुए देखेंगे। 5 के सामने डॉट लगाइए और ये वाला जो पॉइंट है ये इसको नाम देंगे हम 5, 5 दोनों।
एक्स का मान 6 है, वाई का मान 4 है। देखिए एक्स का मान 6 देखेंगे, इधर है ही, ऐसे डॉट लगाते हुए चलो। वाई का मान कितना है? 4 है। 4 के सामने ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको नाम देंगे हम 6 और 4। आगे एक्स का मान, पीछे वाई का मान। सेकंड समीकरण से एक्स का मान 6 है, वाई का मान 2 है, 6 के सामने और वाई का मान 2 के सामने देखेंगे इधर, ये वाला मान इधर हम देख सकते हैं 6 और 2, इधर देख लीजिए 6 और 2। नेक्स्ट एक्स का मान 2 है, वाई का मान -2 है, तो हम देखेंगे 2 इधर है, वाई का नीचे देखेंगे क्योंकि माइनस का है, तो नीचे देखिए वाई का 2, एक्स का भी 2 है, ये वाला पॉइंट है, इधर आप लिख सकते हैं 2 और -2। नेक्स्ट एक्स का मान 1 है, वाई का मान -3 है, तो एक्स को हम प्लस तरफ देखेंगे और वाई माइनस तरफ देखेंगे, ये वाला पॉइंट है, जो इधर आप लिख सकते हैं 1 -3। ये काम करने के बाद आप स्केल लीजिए और स्केल से अपने जो समीकरण नंबर 1 से जो पॉइंट मिले हुए हैं उनका मिलान करेंगे, बिल्कुल सीधा मिलान होना चाहिए। सीधा स्केल रखकर आप ऐसे लाइन लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन लगी हुई है, ये लाइन लग गई। सेकंड जो सेकंड समीकरण है उससे भी इन पॉइंटों को मिलाते हुए बीच में रखकर आप सीधी लाइन लगाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। देखिए ये इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद क्या है ये, अब हम देखेंगे ये पॉइंट क्या हमें प्राप्त हुआ है। हम देखेंगे ये पॉइंट x की वैल्यू 7 पर आया है और इधर देखेंगे y की वैल्यू 3 है, तो 7 हम पहले लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखते हैं और 3 बाद में। अब हम देखेंगे हमें x की वैल्यू 7 प्राप्त हुई है और y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई है, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 7 है, y बराबर 3 है। अब हम देखते हैं हमें x और y में किसको क्या माना हुआ है। हमने माना है लड़कियों की संख्या बराबर x, तो हम लिख देंगे प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या हमें y मानना है, तो y का मान 3 है। अब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों विद्यार्थी 10 हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 होते हैं। देखेंगे 7 और 3 को जोड़ेंगे तो इनका 10 योग होता है। अब हम देखेंगे क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए ये 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। क्या ये इससे अधिक है? लड़की 4 अधिक है, हाँ। यदि इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों ये इक्वल हो जाएगी, आप ऊपर देख लीजिए। जैसे हम इसमें लिखेंगे लड़कियों की संख्या 7 है हमारे पास और लड़कों की संख्या 3 आई हुई है, इसमें 4 जोड़कर देखेंगे दोनों इक्वल हो गया, दोनों समीकरण हमारे संतुष्ट हो गई। इस प्रकार हम अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ U3H के लर्निंग प्रोग्राम में आपको अध्याय 3 में 3.2 का पहला सवाल समझने में आसानी हुई होगी। आपसे उम्मीद है कि आप इस विषय पर अपने विचार रखें ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे से आपको समझा सके। धन्यवाद।